Finally, we are in Alleppey. यहाँ का रूम और यहाँ का व्यू इतना अमेजिंग है. वी हैव अ व्यू टू द बैकवाटर्स फ्रॉम द रूम एंड इट इज़ सो सो प्रिटी. मैं आपको फटाफट से दिखाती हूँ. अभी ऑलरेडी शाम हो गई है तो थोड़ा सा लाइट का इशू. आई विल शो इट टू यू अगेन इन द मॉर्निंग, बट व्हाइल वी आर हियर लेट मी क्विकली गिव यू अ टूर. शो शो शो, ओपन होगा तुमसे. चलो लेट्स गो. Try. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know? Are you ready for your pool time? Wait, wait, wait. Papa's coming. Come! Please? Mama gayi. अंग्रेज हो गए हो तुम. गुड मॉर्निंग गाइज, टुडे इज़ ऑफिशियली डे टू इन एलेपी. आज हम लोग जा रहे हैं हाउस बोट राइड या शिकारा राइड के लिए. बहुत सारे लोग जो यहाँ आते हैं दे प्रेफर टू स्टे ऑन द हाउस बोट बिकॉज दैट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ. लेकिन क्योंकि हमारे साथ एक बेबी है एंड हमको पता नहीं था वो पूरा दिन कैसा रिएक्ट करेगा एक कन्फाइंड स्पेस में. प्लस वी थॉट कि क्योंकि रात में तो हाउस बोट पार्क होके ही रहती है, दिन में ही घूमती है, तो इट्स बेटर टू गो फॉर अ कपल ऑफ आवर्स ऑफ अ राइड थ्रू द बैक वाटर. सो दैट्स वॉट वी आर गोइंग टू डू. अभी हम क्विकली ब्रेकफास्ट करेंगे हमारा और उसके बाद वी विल क्विकली गो फॉर द राइड. You don't know I'm looking. With you everything is complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving. हमने ये शिकारा हायर किया था अराउंड 2 घंटे के लिए जिसके अंदर विलेज टूर भी इंक्लूडेड था. तो हमको आउटस्कर्ट्स के कुछ विलेजेस पे भी ले गए. वी डिड स्टॉप बाय एट अ प्लेस, हैड कोकोनट वाटर. वहाँ पे हमने राइस और पैडी फील्ड्स देखे. अगर आप 5 या 6 घंटे का राइड चूज़ करते हो तो इट विल बी वे मोर एलैबरेट एंड प्रोबेबली यू विल बी एबल टू सी सम ऑफ द इंटीरियर विलेजेस ऑल्सो. एक शिकारा का कॉस्ट होता है पर आर एनीवेयर बिटवीन 750 to 1500 रुपीज़ डिपेंडिंग ऑन क्या सीज़न चल रहा है, आप कहाँ से हायर कर रहे हो. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm just loving this moment. Backwaters Kerala ka sabse adbhut aur unique feature hai. ये स्प्रेड आउट हुआ हुआ है अक्रॉस ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर्स और इसके आजू बाजू बहुत सारे विलेजेस और टाउन्स बने हुए हैं. छोटी छोटी कनाल्स है जिसके आजू बाजू आपको छोटे छोटे घर दिखाई देंगे. You drive. Do you know I'm looking? तो हम लोग वापस आ गए हमारी हाउस बोट या शिकारा राइड से. इट वॉज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. इतना ज़्यादा सुंदर है केरला एंड स्पेशली द बैक वाटर्स. यानी बैक वाटर्स के दोनों साइड पे देर आर स्मॉल विलेजेस, पीपल आर लिविंग देयर. उनके लिटरली घर के यू नो फुट स्टेप्स या डोर स्टेप्स के बाहर वाटर इज यू नो फ्लोइंग एंड दे हैव अ बोट विच प्रोबेबली दे यूज़ फॉर ट्रांसपोर्टेशन.
सो इट वॉज लाइक अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर. बहुत ही सुंदर था. आई हाईली हाईली रिकमेंड कोई भी जो केरला विजिट कर रहा है, यू शुड डेफिनेटली एक्सपीरियंस द बैक वाटर्स. हम लोग हाउस बोट पर नहीं रहे एज आई मैंशनड अर्लियर, एंड पहले मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि यू नो वी शुड हैव स्टेड ऑन अ हाउस बोट, बट नाउ इन अ वे आई एम ग्लैड, क्योंकि अभी फेब्रुवरी है. इनफैक्ट बिगनिंग ऑफ फेब्रुवरी, इट्स अराउंड 10th-11th ऑफ फेब्रुवरी, और दिल्ली में इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी है, एंड हियर इट्स अ डिफरेंट यू नो कम्प्लीटली डिफरेंट वेदर कंडीशन. इतना ज़्यादा गर्मी है, आई एम नॉट टू श्योर के व्हाट्स द टेम्परेचर, बट लिटरली ऐसा था कि यू नो शिकारा पे आगे जो डेक होता है वो यानी वहाँ पैर रखने में पैर जल रहे थे. सो इट वॉज दैट बैड. सो वैसे भी हम पूरा दिन हाउस बोट पर बाहर बैठ के व्यू तो नहीं देख पाते बिकॉज ऑफ द हीट. रात को हाउस बोट पार्क्ड रहती है एक जगह पर. सो इन अ वे वी आर ग्लैड कि वी डिड दिस 2-3 आवर हाउस बोट या शिकारा राइड, विच वॉज रियली रियली फन. अथर को भी इतना ज़्यादा मज़ा आया, इट वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर हिम. नाउ एलेपी में और कुछ तो ज़्यादा करने को नहीं है. देर आर ऑब्वियसली अ कपल ऑफ बीचेज, देर इज़ मरारी बीच एंड देर इज़ एलेपी यानी एलपूजा बीच. लेकिन क्योंकि हम लोग ऑलरेडी वर्कला से आए, वी डोंट इंटेंड टू गो देर. हमारी प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा सुंदर है, देर इज़ सो मच टू डू ऑन द प्रॉपर्टी कि वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग बाकी का टाइम प्रॉपर्टी पर ही चिल करने में स्पेंड करने वाले हैं. आई थॉट कि फॉर पीपल हु आर विजिटिंग एलेपी, जिनको स्पेसिफिकली हाउस बोट पर नहीं रहना या यू नो दे ओनली वॉन्ट टू स्पेंड अ कपल ऑफ आवर्स ऑन द हाउस बोट एंड स्टे एट अ रिजॉर्ट, आई शुड गिव अ यू नो प्रोबेबली अ टूर टू दिस रिजॉर्ट, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी. इट्स राइट बाय द बैक वाटर्स, देर इज सो मच टू डू, और वन ऑफ द हाइएस्ट रेटेड प्रॉपर्टीज़ है इन एलेपी. लेकिन मैं उसको इस वीडियो में इंक्लूड ना करूँ ये सोच रही हूँ, बिकॉज दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड उनके लिए अननेसेसरी एक ये लॉन्गिश वीडियो हो जाएगा. और प्लस द पर्पज ऑफ दिस वीडियोज़, द ट्रैवल वीडियोज़, इज स्पेसिफिकली टू कैप्चर ऑल द मेमरीज जो हम अथर के साथ बना रहे हैं वाइल ही इज़ ग्रोइंग अप, वाइल वी आर ट्रैवलिंग टुगेदर. तो इसको मैं एक सेपरेट वीडियो की तरह बनाने का कोशिश करूँगी, इन विच आई हैव लाइक अ फुल प्रॉपर्टी टूर. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन वॉच दैट. बाकी छोटे मोटे स्निपेट्स मैं इसमें इंक्लूड करूँगी, सो यू नो इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड यू कैन जस्ट एन्जॉय दैट पार्ट. और इसके बाद कल हम लोग जाने वाले हैं मुन्नार, सो दैट्स द होल आइडिया. And I think I will now see you guys in Munnar. Hopes for us.